कि बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है आजकल करवा चौथ वालों के यहाँ। ये गांव का नाम बता नहीं रहे, चाकर पलाटी बोल रहे कि हम यहीं के हैं, बोले आसपास के। और ये लास्ट वाला सब सामान लेने के बाद ये वाला गिफ्ट मिला जा रहा हमको, ये देखिए रंग बिरंगे बिंदिया, एक एक पत्ते ऑफर। यहाँ पे देखो ये आती मेरी दीदी भूखड़ कहीं गए, ये खा रहे हैं यहाँ पे मोमोज। हेलो बिकुए ने बोनस के नंबर यहाँ पर मिले हैं मेरे सब्सक्राइबर। हेलो और ये भैया हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपके बहुत बड़ी फैन हूँ, गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो अच्छी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है रेखा पवार और ये है मेरे स्वामी जी। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत आपको सभी को मालूम होगा मतलब बाजार जाने से हो रही है और सुबह के 8:30 से हो रही है। नाश्ता पानी करके हम लोग बाजार के लिए रेडी हो चुके हैं और हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने जेठानी जी का वेट, यानी कि इनकी भाभी जी का वेट। ठीक है, तो हम जा रहे हैं आज करवा चौथ की शॉपिंग के लिए मार्केट, और सुबह की धूप भी अच्छी सी लगी हुई है मेरे पीछे देख सकते हो, और स्वामी जी पुराने लुक में और मैं थोड़ा नए लुक में। हम तो पुराने हैं, अरे तैयार होकर तो आज स्वामी जी के लिए जरा कपड़े तुपड़े लाएंगे यार हम। क्या झूठ किए बनी मैं अब और शॉपिंग कर जाने यार? नहीं नहीं दोस्तों, ये अपनी शॉपिंग करने जा रहे हैं, मेरे को सिर्फ बीच में मतलब आके कहने बंद हो गए। अरे इनके पास कुछ नहीं यार कपड़े, नहीं हमारे पास है, रोज तैयार होते वक्त रहते हैं, मैं क्या ले जाऊंगा, हमारे पास खुद ही नहीं है दोस्तों। मैंने ये कपड़े ऐसे ही मतलब किसी ने कोई कभी माँ लाती है कभी ये लाते हैं, तो 2-4 सूट है मेरे पास, मैं अलग अलग पहनती रहती हूँ, पर ठीक है पर काफी है फिर इनके साथ हो। तब मैं ज्यादा ही अच्छी हो गई ना एक तो, तब मेरे पास पहली बार ये अपनी कमाई किसे मतलब लाएगी शॉपिंग करेगी? मैं अपनी कमाई से क्या हो ना, हमारी कमाई हो चुकी है परसों खर्चे जब के कोक लाए थे उस दिन। ठीक है, तो आज स्वामी जी पे फिर से चूना लगने वाला है और चलते हैं मार्केट की और मिलते हैं आपको दीदी के साथ जब दीदी आएगी। ठीक है, तब तक बने रहे वीडियो में और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो आ चुकी है दीदी भी। हेलो साहब। हेलो, आज किधर की तैयारी है? आज तिलवाड़ा मार्केट। तो अचानक से ही दीदी मिल गई, मैं सोच रही थी कि अब आएंगे दीदी लेकिन आ गए, और ये रहे दीदी। आज जाएंगे जेठ जी की जेब खाली करने के लिए और मैं स्वामी जी देवर जी की जेब खाली करने। तो चलो चलते हैं मार्केट की और मिलते हैं आपको तुनेटा या तो उसे पूल में। ठीक है, सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं तुनेटा मार्केट में और सुबह का मौसम बिल्कुल शांत मौसम हो रखा है, अभी कोई भीड़ और भड़ाका नहीं है जबकि आज बहुत सारी होनी चाहिए थी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तिलवाड़ा मार्केट में और आजकल बहुत ज्यादा भीड़ है करवा चौथ वालों के सामान के लिए। ये बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है आजकल करवा चौथ वालों के, सारे लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने वाले। हेलो, और आज दीदी की दुकान पर बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है और ये दोनों मेरे सब्सक्राइबर हैं। और कहाँ से? कहाँ से? काकबटी मठना। अच्छा, मठना से। आजकल बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है दुकानों में और करवा चौथ वाले सारे अपने मतलब हस्बैंड की जेब खाली करने पर तुले हुए हैं और लगे हुए हैं यहाँ पे शॉपिंग पे।
हमने यहाँ पर टोकरी भर के सामान ले लिया है और दीदी जी लगा यहाँ पर हिसाब किताब। स्पेशल ये है मतलब सारा सामान लेने के बाद ये है क्या बोला गिफ्ट दे रहे सबसे मतलब ये देखो। और यहाँ पे मेरी जो फुल पॉलीथीन है वो भी भर चुकी है और दीदी लगी हुआ है और मैं ये भी बोल रहे हैं लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ तो मैं सोच रही हूँ ये मेरे पे बहुत भारी पड़ेगा। वैसे बहुत भारी है लेकिन नया आ रखा है और अच्छा सामान है। यहाँ पर कस्टमरों की भी भीड़ लगी पड़ी है और अच्छा सामान है पर आज लास्ट डेट है करवा चौथ की, कल से तो नहीं आ पाएंगे तो आज ही लें है ना। ये लास्ट वाला सब सामान लेने के बाद ये वाला गिफ्ट मिला जा रहा है हमको। ये देखिए रंग बिरंगे बिंदिया एक एक पत्ते ऑफर सच्ची गिफ्ट मिल गई। हाँ अभी हम ममता ब्यूटी पार्लर के बाहर पे और ये है मेरे सब्सक्राइबर और ये भी ये गांव का नाम बता नहीं रहे चाकर फलाटी बोल रहे हम यहीं के हैं बोले आस पास के। और ये भी आते थे यहाँ पे हाय ये तो अच्छा लग रहा है मेरे को आज मार्केट में बहुत सारे मिले और अच्छा भी लग रहा है ना। यहाँ पे देखो ये आती मेरी दीदी भूखड़ कहीं गई ये खा रहे हैं यहाँ पे मोमोज। हेलो कोई नहीं बोना तीन हाँ ये ठीक है ये लगना अम्मी है गाँव का बस यहाँ पर मिले हैं मेरे सब्सक्राइबर। हेलो और ये भैया हम तो आपके बहुत बड़े फैन बहुत खुशी हुई मुझे डाइट कर अगस्त में बहुत सारा चिन्ह भैया धन्यवाद अभी मेरे सब्सक्राइबर है मैं आपको बहुत बड़ी फैन हूँ गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वो अच्छी वीडियो बनाते हैं। कहाँ से मैं दाइंगुनों से गुनों से हूँ। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है आपका ठीक है हाथी कि आधा सामान लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं सोमाड़ी मार्केट की तरफ और आज स्वामी जी को बिल्कुल अकेला पंसा लग रहा है। बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले और अच्छा भी लग रहा है तो स्वामी जी अलग पे थे और बोले कि सारे लेडीज के साथ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह बोल रहे थे कि मैं नहीं आ रहा बोले लेकिन मैंने बोला चलो यार तो खर्चा पानी कौन चुकाएगा। अब हमारी हो गई है वापस जाने की तैयारी और सारा मार्केट सुनसान हो चुका है क्योंकि सुबह के टाइम पर देते हैं सब लोग। और अभी चलते हैं घर और मिलते हैं आपको त्रिटा बाजार में। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं तुनटा मार्केट में और अभी यहाँ सुनसान है
मतलब मार्केट खाली हो चुका है आज, लोग गांव में नहीं बाजार में जा रखे सभी लड़कियां, मतलब गांव की महिलाएं जो होती हैं। तो मैं स्वामी जी जा रखे हैं उस दुकान में, मैंने बोला था आइसक्रीम लेकर आओ, इतनी ठंड में भी खा रहे हम लोग। कि तुनेटा में आते ही हम लोगों ने आइसक्रीम स्वामी जी से मंगाई मैंने, मेरे को तो अच्छी लगती है। बाकी ये मत बोलना कोई कि ठंडा है और आइसक्रीम खा रहे, ठीक है। तो अभी हम लोग आधे रास्ते में आ गए हैं और स्वामी जी बड़ा गुस्सा कर रहे हैं कि चलो बल चलो। अरे भूख लग गई बहुत, मतलब क्या बोलते। तो इनके यही हाल है, जब भी बाजार में जाते हैं कुछ खिलाते पिलाते नहीं है, और आज इन्होंने एक समोसे मटर खाया मेरे को पता है। बाकी हम लोग नदी के बगल में आ चुके हैं और स्वामी जी गए हुए हैं वहाँ पे उनके मोमोज देने के लिए, उन्होंने मोमोज मंगाए थे। तो यहाँ पे हल लग रहा है लोगों का, गेहूँ बोने लग गए हैं। तो यहाँ सामने पे मिले हैं मेरे सब्सक्राइबर जिनके की गेहूँ बोए जा रहे हैं, और वहाँ से हेलो कर रहे हैं, उन्होंने मोमोज मंगाए थे। और इनके खेत में आज हल लग रहा है। तो थैंक यू दीदी हमारी वीडियो रोज देखने के लिए। क्रॉस कर रहे हैं अभी और सामने पे है पानी का छोड़ा यानी कि धारा। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा झरना पानी का है, और स्वामी जी ने चीने यहाँ गीले में रख दिया और पानी पी रहे वहाँ पे। देखो दोस्त ये अच्छे सुंदर लोग, आहा स्वर्ग फेरन लवली के खुश हुआ। चलो तो अभी हम गांव के ठीक नीचे हैं, मतलब पहुंच गए हैं, और स्वामी जी के पास है चीनी। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ डाली चीनी, अभी तक तो हाथ में थी। अब बाकी मेरे पास है बैग पर्स और इसमें चौमिन है शायद, मेरे को तो खाने नहीं दे रहे। तो बाकी मैं ना इधर हमसे मिलो। अच्छा ए भाई का खोल बुई तू गार हे मां चला था।